ओके, तो मैं आ चुका हूँ आप सबके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर। तो जब आप अपने फ़ोन पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेल रहे होते हो और तभी आपके सामने में एनिमी आ जाता है और तुरंत उसके जस्ट सेकेंड के बाद आपके फ़ोन पे कॉल आ जाता है और वो कॉल आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है और आप उस कॉल को नहीं उठाते हो तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे आप उस कॉल को उठाते हो तो आपका कॉल जो है होम पेज पर हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है, तभी आपको एनिमी भी किल करके चला जाता है। तो किस तरह से कॉल को आप पिजमाए के बैकग्राउंड में चला सकते हो, यहाँ पे मैं आप सभी को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और किस तरह से आप ये कर सकते हो इनेबल, कौन सा सेटिंग है, तो आप सभी को सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर मैं टीडीएम यहाँ पे चालू कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कॉल करूँगा तो आप देखेंगे कि ये कॉल जो है डायरेक्ट होम पेज पे कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉल आ चुका है। जैसे यहाँ पे मैं इसको कॉल को रिसीव करता हूँ तो ये डायरेक्ट कॉल का आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉल होम पेज पे आ गया। अगर आपके सामने में एनिमी रहता तो आप उसको क्लिक करके आसानी से चला भी जाता। तो किस तरह से आप ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बैकग्राउंड में कॉल को चला सकते हो इसी तरीका बताऊंगा। तो चलिए आप सभी को ये बता भी देते हैं कौन सा तरीका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हो। तो सिंपली आपको जो सेटिंग बताऊँगा अगर आप वो कर लेते हो तो आसानी से आप गेम भी खेल सकते हो और किसी का कॉल भी आप आसानी तरीका से पिकअप भी कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। तो जहाँ से आप कॉल को लगाते हो सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना है डायलर पेड में। उसके बाद आपको थ्री डॉट देखने को मिल जाएगा हर एक फोन में। तो सेटिंग का ऑप्शन में आपको चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं थ्री डॉट है, यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कोई भी आपको ऑप्शन को छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आपको क्लिक करना है। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट का, ठीक है। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो एंसर का। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ये क्लिक करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक ऑफ रहेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना है। आपको इनेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इस पर टिक कर देना है, ये इनेबल हो चुका है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ढीले ऑटो एंसर, तो सिंपली आपको उसके जस्ट साइड में आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, नो डिले, उसके बाद 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कितने सेकंड पे कॉल को पिकअप करना चाहते हो, 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे। तो यहाँ पे मैं नो डिले रखा हूँ, आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं नो डिले रखा हूँ, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और आपके बाद यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑलवेज, हेडसेट ओनली, ब्लूटूथ ओनली, हेडसेट ऑन ब्लूटूथ ओनली। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी बंदा आपको कॉल करता है तो ऑटोमेटिक वो कॉल रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और हेडसेट का मतलब क्या होता है, आप इसी पर टिक लगा के रखना, ठीक है, या तो आप ब्लूटूथ भी कर सकते हो। हेडसेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप हेडफोन लगाए हुए हो और कोई बंदा आपको कॉल करता है तो ऑटोमेटिक वो कॉल रिसीव हो जाएगा जब आप हेडफोन लगाए हो तब। अगर आप हेडफोन नहीं लगाए हो तो वो कॉल रिसीव नहीं होगा, ठीक है। और ब्लूटूथ का मतलब सिंपली वही है, जब आप ब्लूटूथ लगाए रहोगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा, कोई बंदा आपको कॉल करेगा तो कॉल रिसीव हो जाएगा। और ब्लूटूथ हेडसेट का मतलब ओनली क्या होता है, आप हेडफोन भी लगाए हो और ब्लूटूथ भी लगाए हो तो वो दोनों से कॉल उठ जाएगा। तो यहाँ पे मैं हेडफोन यूज करता हूँ गेम खेलने के लिए, इसीलिए यहाँ पे मैं हेडसेट ओनली कर दिया हूँ। तो आप ये सिलेक्ट कर लेना। और जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल एक और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ मैं कॉल करता हूँ बीजीएमआई के अंदर तो क्या होता है, कॉल उठता है या फिर नहीं उठता है। आप सभी को यहाँ पे मैं 3 सेकंड करके दिखाता हूँ तभी आपको ना पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 सेकंड कर दिया और यहाँ से ये ओके हो चुका है। 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये कॉल रिसीव हो जाएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल के इंडिया के अंदर, ठीक है, बैकग्राउंड में, ठीक है। तो आप सभी को एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर मैं यहाँ पे टीडीएम लगा लिया हूँ, तो देखता हूँ यहाँ कॉल रिसीव होता है या फिर नहीं होता है, या फिर कॉल जो है होम पेज पे ले जाता है कॉल को, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे देख सकेंगे कि कॉल कहाँ पे जाता है रिसीव होने के बाद, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉल आ चुका है, यहाँ पे 3 सेकंड के बाद कॉल रिसीव भी हो गया, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा हेडफोन कनेक्ट है जिसमें मैं माइक लगाया हुआ हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कॉल रिसीव भी हो गया और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया चल भी रहा है और भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक छोटा सा सेटिंग था जो आप अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हो और यहाँ पे अच्छे खासे बीजीएमआई खेल सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे पहले एक और वीडियो में बना चुका था जिसमें आप सभी भाइयों का कमेंट आया था कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो
इस वाले में आपका 100% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो वो फर्स्ट वाला वीडियो, अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।